हमारे इस सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हमारे सैम्पलिंग मेथड के कुछ केस स्टडी को। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे सैम्पलिंग मेथड के लेसन को नहीं देखा है तो वो अभी टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके पहले उसका थ्योरेटिकल आस्पेक्ट को समझ लें ताकि इस पर जो हम लोग केस स्टडी आज करने वाले हैं वो आप लोगों को तो आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ कुछ 4 या 5 क्वेश्चन, और यदि आप इस 4-5 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो यदि समझिएगा, वो यदि ध्यान से समझिएगा तो आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और इन ये सबसे आसान टॉपिक है क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो फिक्स है कि ऐसे ही आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा आज का लेसन और समझते हैं अपने सबसे पहले पहले केस स्टडी पे। देखिए, इस केस स्टडी में पूछा गया है कि कोई ऐसी राइटिंग कॉम्पिटिशन था जिसमें मैक्सिमम मार्क्स था 50, मीन मार्क्स था 41.5, स्टैंडर्ड डेविएशन था 2.5। अब देखिए, सैंपल में हमारा 50 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें से टोटल स्टूडेंट में से हमने 50 स्टूडेंट का सैंपल लिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मीन जो है वो 40.5 से 42 के बीच में होगा। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा, आइए इसे समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें मीन दिया हुआ है दोस्तों, मीन कितना दिया हुआ है, मीन मार्क्स कितना है 41.5, ठीक है। तो हम लोग मीन को डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू कितना है हमारा 41.5 है। चलिए, अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 2.5, यानी कि एसडी हमारा कितना है 2.5 है। चलिए, अब एन क्या है हमारा, एन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एन टोटल ऑफ स्टूडेंट्स हमें दी गई है 50, सो स्मॉल एन इज इक्वल टू 50। तो फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मीन है वो 40.5 से 42 के बीच में होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग सिम्बॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार यानी कि मीन लाई बिटवीन 40.5 टू 42 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है इन्हीं स्टेटमेंट का, तो हमें ये निकालना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आइए स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम लोग अपने मीन का स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। सो वी विल फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, यानी कि सिग्मा एक्स बार निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, सिग्मा एक्स बार। कैसे निकालते हैं सिग्मा एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा 2.5, एन कितना है हमारा 50, तो 2.5 डिवाइडेड बाय रूट 50 ये कितना आ जाएगा 0.3536। तो ये हमें क्या मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन सिग्मा एक्स बार। ओके, अब हमें सेकेंड स्टेप है हमारा जेड निकालना। जेड कैसे निकालते हैं, जेड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है दोस्तों। तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से हम लोग जेड निकालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ एक्स बार क्या है, तो देखिए एक्स बार को समझने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा। तो एक्स बार देखिए, दो एक्स बार है, एक है 40.5 और एक है हमारा 42। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू 40.5 हम लोग 40.5 को लिखेंगे एक्स बार की जगह, म्यू तो हमारा 41.5 है और सिग्मा हम लोगों ने निकाला 0.3536। बस वैल्यू को पुट करना है और हमें आंसर मिलेगा -2.82। ये जेड का पहला वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग टू 40.5, और जेड का जो दूसरा वैल्यू है वो हम लोग 42 लेंगे, एक्स बार का 42 वैल्यू लेंगे और फिर हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 1.41। तो हम लोगों ने जेड का दो वैल्यू निकाला, एक -2.82 और एक 1.41। अब दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपके बुक में जो मैकमिलन बुक है उसमें एक टेबल दिया होगा जिससे आप लोग जेड के वैल्यू से प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपको वो टेबल उठाना है और ये देखना है कि 2.82 के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2.82 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है 0.4976, अच्छा, और 1.41 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है 0.4207। ये आपको क्वेश्चन में हो सकता है दिया गया हो, या यदि नहीं दिया जाएगा तो आपको उस चार्ट को कंसल्ट करना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे या इन दोनों को घटाएंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, थंब रूल है, वो आप समझिए। यदि दोनों का साइन सेम है तो आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यदि दोनों का साइन अपोजिट है तो उसे आप लोग ऐड करेंगे। तो आखिर क्यों ऐड करते हैं, आखिर क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग इसे याद कर लें, सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन तो ऐड। अब जरा इस केस में आ जाइए दोस्तों, इस केस में देखिए, यहाँ नेगेटिव है -2.82 है और यहाँ पे पॉजिटिव है 1.41 है, तो यहाँ पे साइन अपोजिट है ना, और जब भी साइन अपोजिट होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया है। अब उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.9183, और इसी परसेंटेज में हम लोग क्या लिख सकते हैं 91.83, मतलब कि मीन का इस रेंज में होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 91.83। चलिए, उम्मीद है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ओर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ भी देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। कितने बैंक ऑफिसर का, 50 बैंक ऑफिसर का, उनका मीन हाउस रेंट दिया हुआ है 1972 रुपया, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 344।
तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उनका हाउस रेंट है वो 1840 और 2040 के बीच में हो। ओके आइए फिर से वही काम करते हैं। स्टेप नंबर वन, हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर निकालना होगा मीन का, यानी कि सिग्मा एक्स बार। कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है दोस्तों, 344 है। एन कितना है हमारा, एन है हमारा 50। एन है हमारा कितना है दोस्तों, देखिए 50 बैंक ऑफिसर हैं तो एन एन हो गया 50, तो रूट 50। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 48.66। अब क्या स्टेप नंबर टू क्या है हमारा, जेड का वैल्यू निकालना। तो जेड का वैल्यू हम लोग एक्स बार के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं, और एक्स बार यहाँ पे क्या है 1840 है और बी 2040 है, तो एक 1840 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो देखिए हमने 1840 माइनस म्यू हमें दिया हुआ था 1972, और सिग्मा एक्स बार हमने ऊपर निकाला 48.66। तो जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा -2.71। ठीक है दोस्तों, उसी तरह दूसरा एक्स बार क्या है हमारा 2040, तो 2040 के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम लोग जेड का वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1.40। अब फिर से हमको क्या, हमें क्या करना है, उस टेबल को देखना है, जो प्रोबेबिलिटी टेबल है उसे देखना है। तो आप लोग देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू 2.71 जो जेड का वैल्यू है वो है -0.4966, और कॉरस्पॉन्डिंग टू 1.40 जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है वो है +0.4192। अब फिर से वही बात, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मैंने बताया था कि जब भी नेगेटिव पॉजिटिव हो, अपोजिट साइन हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, 0.4966 प्लस 0.4192, जब जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 0.9158, यानी कि 91.58%। तो ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि मीन जो है हमारा इस रेंज में लाई करेगा, मीन हाउस रेंट इस रेंज में करेगा। तो दोस्तों अभी तक जो भी हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखा उसमें स्टेप फिक्स है। पहला स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड एरर निकालना। फिर दूसरा स्टेप क्या है, जेड का वैल्यू निकालना। तीसरा स्टेप क्या है, प्रोबेबिलिटी टेबल को कंसल्ट करना। और चौथा स्टेप क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना। बस ये चारों स्टेप को हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। अब जो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें पैटर्न कुछ अलग होगा, आइए देखते हैं, इसे समझते हैं। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझेंगे चीज़ों को। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को भी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और आप लोग भी जिज्ञासु होंगे, आप लोग की भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी इससे और भी अच्छे तरीके को समझने के लिए। आइए समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, इसमें मीन दिया हुआ है 56, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 21। हाउ लार्ज अ सैंपल मस्ट बी, देखिए यहाँ पे पूछा गया कितना लार्ज सैंपल होगा, मतलब यहाँ पे हमको एक सैंपल की सैंपल साइज नहीं दी गई है, यानी कि एन के वैल्यू हमसे पूछा गया है दोस्तों, एन के वैल्यू हमसे पूछा गया है। हाउ लार्ज अ सैंपल मस्ट बी टेकन सो दैट देर विल बी 90% चांस दैट मीन इज ग्रेटर देन 52। ओके अब जरा ग्राफिकल मेथड से समझाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये जो बेल कर्व शेप आपको दिख रहा है ना, ये जो बेल कर्व शेप है यही है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो सिंपल सा वर्टिकल वर्टिकल लाइन जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया जो कि सिमेट्रिकली इस शेप को काट रहा है वो हमारा है मीन। तो दोस्तों बताइए मीन कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन, पढ़िए यहाँ मीन हमें दिया रखा है 56, 56। तो यहाँ देखिए मीन को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हमने 56 लिखा है। ओके हमसे क्या पूछा गया है कि क्या चांस है, कितना मतलब सैंपल का साइज कितना हो कि 90% चांस हो कि मीन जो है 52 से ज़्यादा हो। तो देखिए 56 यदि यहाँ है तो 52 तो इधर ही कहीं होगा ना, मान लेते हैं यहाँ पे 52 है, ठीक है दोस्तों। तो हमसे पूछा गया है कि हमें जो ये मीन जो है वो 52 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इधर इधर वाला, इधर वाला केस को हमें लेना है। अब बताइए 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 40। तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन जिसे मैं सेट कर रहा हूँ, ये रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन, ये तो 50% है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये जो रीजन है जिसे मैं हाईलाइट ऐसे 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 इसके ये कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये 40% है, समझ रहे हैं। तो ये हमारा 40% है। तो बताइए रिमेनिंग एरिया जो बचा, ये वाला इस साइड वाला जो एरिया है वो कितना होगा, 1% होगा, यानी 0.1 होगा, 10% होगा, ऐसे समझिए। अब बताइए दोस्तों यदि हमारा 0.1 प्रोबेबिलिटी है, अब प्रोबेबिलिटी टेबल को उठाइए, 0.1 यदि प्रोबेबिलिटी है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आप जेड स्कोर देखेंगे ना वो आपको पता है कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको 0.0398। ये आपको प्रोबेबिलिटी टेबल से मिलेगा, इसे शॉर्ट में हम लोग यदि राउंड ऑफ करें तो 0.04 लिख सकते हैं हम लोग। अब हमें जेड की वैल्यू मिल गई, हमें सिग्मा पता है और हमें म्यू पता है, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था एन, आसानी से एन निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए दोस्तों जेड जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार, ये फॉर्मूला है हमारे पास, और सिग्मा एक्स बार को हम लोग लिखते हैं सिग्मा अपॉन रूट एन। तो बस इस फॉर्मूले में इसे सब्सिट्यूट कर देते हैं, लिखते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, या इसे और अच्छे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब वैल्यू को पुट करना है, एक्स बार कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, सिग्मा कितना है 21 है, जेड कितना है 0.04 है। तो इसे हम लोग को एन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा दोस्तों, 0.0441, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सैम्पल साइज है। आइए
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। और अब जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, इसका तीन पार्ट है। तीनों पार्ट को यदि आप अच्छे से समझ गए तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सैम्पलिंग का, वो आपको उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या कह रहा है कि जो प्रोजेक्टेड जो एक ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, अलग अलग बैंक के अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर हैं, और उन ट्रेनिंग सेंटर में बल्ब यूज की जाती है, ठीक है। तो उस बल्ब का जो मीन लाइफ है वो है 3000 आवर। तो मतलब मीन हमें दे दिया है 3000 आवर, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 100 आवर, मतलब 100 घंटा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब जो है 2800 आवर से पहले फेल कर जाएगा? चलिए, मतलब बल्ब जो है 2800 आवर जलने से पहले फेल कर जाएगा। तो आइए इसे ग्राफिकली समझते हैं। फिर से वही कर्व हमने ड्रॉ किया, एक एक बेल कर्व शेप ड्रॉ किया, बीच से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। ये हमारा मीन को दर्शाएगा। मीन कितना दिया हुआ था, देखिए यहाँ दोस्तों, मीन हमें दिया गया था 3000 आवर। तो हमने बीच में क्या लिखा, म्यू लिखा, और उसके नीचे हमने क्या लिखा, 3000 आवर लिखा। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि 2800 आवर से ज़्यादा, बिफोर सॉरी से पहले, तो 2800 किधर होगा? 2800 जो है वो कहीं भी होगा तो इधर होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे 2800 है, ठीक है दोस्तों। हमने मान लिया कि ये हमारा कितना है, 2800 है, 2800 ये वाला रीजन जो है। तो अब जो है हमें जो रीजन कंसल्ट करना है वो कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन है जो कि इससे कम होगा, 2800 से कम वाला देखना है ना, फेल बिफोर 2800 आवर है, ठीक है, इससे कम वाला रीजन हमें देखना है। चलिए आइए हम लोग अब ग्राफिकली तो समझ गए कि हमें करना क्या है। अब हम लोग इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है हमें, 100 दिया हुआ है। म्यू कितना दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू 2800। तो सबसे पहले हम लोग जेड निकालेंगे। जेड कैसे निकालेंगे, एक्स बार की जगह 2800 पुट करेंगे, म्यू की जगह 3000 पुट करेंगे, और सिग्मा की जगह 100 पुट करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो जेड हमें मिलेगा -2। अब देखिए जेड -2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी टेबल को हम लोग कंसल्ट करेंगे, और तो हमें उसमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0.4772, ठीक है दोस्तों। तो यही जो है हमारा 47.72, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है कि ये जो रीजन है दोस्तों जिसे मैं यहाँ पे सेट किया हूँ, इसके आने की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.4772। ओके, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन तो वही है, लेकिन उसका पार्ट है कि बल्ब जो है वो लॉन्गर देन 3100 आवर लास्ट करेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक्स बार इज ग्रेटर देन 3100। तो फिर से वही काम, हम लोग क्या करेंगे, बेल कर्व से बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, मीन बनाएंगे। मीन कितना है, 3000 है। अब जो भी 3100 हमसे पूछा गया है वो तो इधर ही होगा कहीं, मान लेते हैं यहाँ पे 3100 है। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे बल्ब को 3100 आवर से ज़्यादा जलना है ना दोस्तों, तो इसलिए जो रीजन ये होगा वो ये वाला रीजन होगा, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए पहला काम क्या करना है, हमें जेड का वैल्यू निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू 3100। तो 3100 -3000/100, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एक्स बार -μ/σ। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1। जेड यदि 1 है तो फिर से प्रोबेबिलिटी टेबल को कंसल्ट कीजिए आप, तो जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.3413, यानी कि 34.13%। अब देखिए दोस्तों, अब मैं जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझेंगे आप लोग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 34.13% है ये कौन सा एरिया है दोस्तों, अब मैं समझाता हूँ। ये मान लीजिए 1 वाला एरिया है, और ये मान लीजिए ये जो एरिया है, ये जो जिसको मैं सेट कर रखा हूँ वो 2 वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है दोस्तों। ये वाला एरिया कैसा है, 2 वाला एरिया, ये वाला। तो अब देखिए जो भी हमें जो यहाँ 34.13 मिला है ना, वो इस वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में है, ये जो वर्टिकल लाइन है उसके रेस्पेक्ट में है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें निकालना कौन सा पोर्शन है, हमें निकालना है साइड वाला पोर्शन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल पूरा का पूरा आधा एरिया है वो कितना है, 50% है। उसमें से यदि 34.13 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15.87, वही ये हमारा एरिया होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जेड का जो वैल्यू, जेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमें मिलता है वो हमेशा वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में एरिया को शो करता है। चलिए उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ बहुत लोगों को समझ में आके नहीं आते रहता है कि आखिर 0.5 से क्यों माइनस किया गया है। मैं फिर से समझाता हूँ, 0.5 से माइनस इसलिए किया गया है कि हमें जो है यहाँ पे देखिए एक एरिया मैंने सेट किया है और एक एरिया मैंने हैश किया, देखिए मैं हैश कर रहा हूँ। तो हैश वाला जो एरिया है वो हमने निकाला कितना, 34.13, और हमें निकालना कौन सा एरिया, शेडेड वाला एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो पूरा एरिया में से हैच वाला एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है, वही तो हमने किया यहाँ पे। तो हमें कितना मिला, 15.87 मिला। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए यदि नहीं क्लियर होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अच्छे से प्रयास करूँगा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने का। और हमारा आज का आखिरी सवाल है वो ये है कि बल्ब, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब जो है 2900 और 3100 आवर के बीच में लास्ट करेगा। तो फिर से वही काम, एक हम बेल कर्व शेप बनाएंगे, एक हमारा मीन होगा। अब देखिए मीन सब तो ठीक है, वो तो हम जान ही रहे हैं।
अब क्या यहाँ पे समझना है हमें, ठीक है, कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा 2900 है और ये हमारा 3000 है। तो हमें जो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ एरिया को देख रहे हैं हैच किया हुआ है, तो हमें वो एरिया निकालना है दोस्तों। तो वो तो नहीं काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, दो जेड का वैल्यू निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी टेबल को कंसल्ट करेंगे। अभी मैंने बताया है कि जो एरिया मिलता है वो वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में, मीन के रेस्पेक्ट में मिलता है दोस्तों। तो देखिए, जब जेड का वैल्यू हम लोग 2900 पुट करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना मिलेगी, 0.3413, और जब जेड का वैल्यू हम लोग 3100 पुट करेंगे तब भी कितना मिलेगी, 3.13। अब आप समझिए दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था शुरुआत में, क्या बताया था कि जब भी अपोजिट साइन हो तो ऐड करते हैं। अब आपको समझ सकते हैं आखिर क्यों ऐड करते हैं दोस्तों। देखिए, हमें टोटल एरिया निकालना है ना, और सिमेट्रिकल है तो एक एरिया निकाल के उसको दोनों में जोड़ देंगे। तो फिर से वही काम करना है, टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.3413 प्लस 0.3413 यानी कि 0.6826, यानी कि 68.26% हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, तो कैसा लगा आपको रिलेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें, और यदि जिन लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया उनका 5 मार्क्स श्योर है, फिक्स हो गया, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, 5 मार्क्स आपका सैम्पलिंग में फिक्स है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो यदि कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप लोग यदि चाह रहे हैं कि मैं किसी और टॉपिक का केस स्टडी आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे लाऊंगा और आप लोगों को अच्छे से तरीके से समझाऊंगा। तो दोस्तों, जो लोग मेरे फेसबुक चैनल से नहीं जुड़े हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जुड़ जाएँ। मैं आप लोगों के लिए जो भी अपडेट है और जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को वहाँ शेयर करते रहता हूँ, तो आप लोग ही लाभान्वित होंगे उससे। और फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लेसन को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। धन्यवाद।